आरंभ। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। पीयूष जी ने बड़ा शानदार बड़ा दमदार गीत बनाया है। आज की जो रिक्वेस्ट मैंने आपके लिए है वो इस वीक सबसे ज़्यादा कमेंट की गई रिक्वेस्ट है। अगर आप इस गीत को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो ये आपके रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए इस शानदार और दमदार गीत को पियानो पर बजाना सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सीखो सरल। इस गाने की जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम लोअर ऑक्टेव के बी नोट से, यहाँ से, ठीक है। जो टच करेंगे स्टार्टिंग में वो यहाँ से करेंगे, बी नोट से। और इस गीत के लिए जो टोन और जो रिदम मैंने रखा है वो भी बहुत ही खास है। तो टोन और रिदम के बारे में और स्पीड के बारे में हम लास्ट में जानेंगे, पहले हम सीख लेते हैं इस गीत को। तो गाने का जो पहला पैराग्राफ है वो है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। लंबा है इसलिए इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आरंभ है प्रचंड, पहले इतना सीखेंगे। देखिए, आरंभ है प्रचंड, ठीक है, आरंभ है प्रचंड। इसके बाद बोले मस्तकों के झुंड, यहीं से बी नोट से ही। बहुत सिंपल है लाइनें क्योंकि दो दो बार एक नोट को प्ले करते हैं। देखिए, जैसे कि बोले फिर मस्तको के झुंड, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। इतना सिंगल फिंगर से एक बार फिर से देखिए, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। ठीक, क्लियर। इसके बाद है आज जंग की घड़ी की, ये देखिए बी नोट से ही। बहुत सिंपल है लाइनें, बिल्कुल एक जैसी प्ले हो रही हैं। देखिए, आज जंग, मैंने कहा ना एक नोट को दो दो बार प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आज जंग की घड़ी की, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया, आज जंग की घड़ी की सब दो दो बार हुआ, दो बार बी हुआ, दो बार ई हुआ, दो बार जी हुआ और दो बार फिर से ई हुआ। अब इसके बाद है तुम गुहार दो, ये अलग है यहाँ पर, तुम गुहार दो। डी शार्प और एफ शार्प, सिर्फ ये दो नोट के साथ, तुम गुहार दो, तुम गुहार दो, ठीक है, क्लियर। तो इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, इतना कंप्लीट हो गया। एक बार बजा के भी दिखा रहा हूं, ठीक है, इस तरह से प्ले करना है। अब इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो इसमें भी पहले हम क्या सीखेंगे, आन बान शान या की, पहले इतना देखेंगे और ये स्टार्ट होगा मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प से, यहां से देखिए, आन बान शान या की, सिंपल है, दो दो नोट के साथ, मैंने कहा ना हम एक नोट को दो दो बार प्ले कर रहे हैं। देखिए, आन बान शान या की, कितना सिंपल है। और इसी तरह से ये दूसरी लाइन है, जान का हो दान आज, सेम, इस लाइन को सिखाने की भी जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही है। नोटेशन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वहां से भी आप देख लेना। अब अगली लाइन देखते हैं, एक धनुष के बाण पे उतार दो, ये अलग है, ये होगा स्टार्ट बी नोट से। कौन सा बी नोट है ये? ये है मिडिल ऑक्टेव का बी नोट। पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूं, एक धनुष के बाण पे उतार दो, देखिए, एक धनुष के बाण पे उतार दो, ठीक। उतार दो में क्या किया, एक बार एफ शार्प और तीन बार जी, कैसे, उतार दो, ठीक, उतार दो,
आपने ध्यान दिया होगा, तो इसमें भी हमने एक नोट को दो दो बार प्ले किया, एक धनुष के बाण पे उतार दो। लास्ट में जी तीन बार प्ले हुआ है बस, ठीक है। और इस पार्ट के बाद वही फर्स्ट वाला पार्ट आ जाता है, उसको रिपीट करना है, आरंभ प्रचंड, ठीक है, वही पार्ट आपको रिपीट करना है। अब बढ़ते हैं आगे, जब रिपीट हो जाएगा तो उसके बाद लाइन आएगी, आरंभ है प्रचंड, बस इतनी लाइन आएगी और ये डिफरेंट है। तो ये कैसे प्ले होगी देखिए, क्या किया इसमें हमने, बी नोट से स्टार्ट, कौन सा बी नोट है ये, लोअर ऑक्टिव का, आरंभ है अब प्रचंड, प्रचंड पे ध्यान रखना है इस तरीके से, टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब शुरू होता है अंतरा, अंतर की जो लाइन है वो है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो पहले इसे मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, फिर आपको टुकड़ों टुकड़ों में इसको समझाऊंगा। देखिए स्टार्ट होगा मिडिल ऑक्टेव के बी नोट से, आपको सुनने में लंबी लग रही होगी मगर बहुत ही आसान लाइन है, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता ही रहा हूं कि एक नोट को हम दो दो बार प्ले कर रहे हैं। देखिए, मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण दे, अब इसी तरीके से जो मन करे सो प्राण ले, सेम ऐसे ही, जो मन करे सो प्राण ले, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, ठीक। एक बार सिंगल फिंगर से भी देख लीजिए इसको और ध्यान से देखिए, मैं एक नोट को दो दो बार बजा रहा हूं, देखिए, देखा आपने। और अब है वही तो एक सर्वशक्तिमान है, ये हम प्ले करेंगे ई नोट से, ठीक है। कैसे प्ले करी, वही तो एक सर्व शक्ति मान है, ठीक। यहां पर ए नोट को हमने तीन बार प्ले किया। अब अगली लाइन, विश्व की पुकार है ये, भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। तो ये लाइन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे इससे पहले हमने सीखी थी, मन करे सो प्राण दे, सेम बिल्कुल वही है। देखिए, विश्व की पुकार है ये, भागवत का सार है, कि युद्ध की ही तो वीर का प्रमाण है। है बिल्कुल सेम, कोई भी अंतर नहीं है। तो आपको वही की वही कॉपी कर देना है, इसको आपको दोबारा से सीखने की जरूरत भी नहीं है। अब इसके बाद लाइन है, कौरवों की भीड़ हो या, ये हम स्टार्ट करेंगे ए नोट से, ये थोड़ी अलग है, देखिए, ठीक है। कौरवों की भीड़ हो या, इसके बाद पांडवों का नीड हो, ये भी सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही, पांडवों का नीड हो, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही है। अब इसके बाद बहुत ही दमदार लाइन है, जो लड़ सका वो ही तो महान है, ये स्टार्ट हमारी एफ शार्प से होगी मिडिल ऑक्टेव के, और ये जाएगी कहाँ तक, ई नोट तक, हायर ऑक्टेव के ई नोट तक। देखिए किस तरह से प्ले होगी, पहले एक बार देखिए फिर बताता हूँ धीरे धीरे। देखिए इसे, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, ठीक है। एक बार इसको सिंगल फिंगर से भी देख लीजिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद लाइन है, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, ये हम स्टार्ट करेंगे ई नोट से मिडिल ऑक्टेव के, देखिए, तो ये बहुत इजी थी क्योंकि शुरू वाली लाइन है जैसे हमने पहले सीखी थी, सेम टू सेम वही है, जीत की हवस नहीं, अब इसके बाद किसी पे कोई वश नहीं, सेम ऐसे ही, किसी पे कोई वश नहीं, ठीक है। अब इसके बाद, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, बी नोट से, इस
इस लाइन को सुनकर आपको शुरू की लाइन ध्यान आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है ये। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, जो हमने शुरू में प्ले करी थी वैसे ही ये है। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। और इसके बाद लाइन है, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें। ये स्टार्ट होगी एफ शार्प से, ये थोड़ी सी अलग है, देखिए। मगर है सिंपल, सिर्फ तीन नोट पर आती है, एफ शार्प ए और जी पर ही घूमेगी। देखिए, मौत अंत है नहीं, मगर बज वैसे ही रही है, एक नोट को दो दो बार प्ले कर रहे हैं हम। अब इसके बाद तो मौत से भी क्यों डरें, सेम वैसे ही, तो मौत से भी क्यों डरें, ठीक है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें। और इसके बाद लाइन आती है, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, जो स्टार्ट होगी एफ शार्प से, देखिए। देखिए, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, ठीक। इस तरह से आपको प्ले करनी है, और बस इसके बाद वही पहला वाला पार्ट आपको रिपीट करना है। आरंभ है प्रचंड, सेम टू सेम वही का वही पूरा का पूरा रिपीट करना है। अब बात कर लेते हैं टोन की। तो टोन जो मैंने रखी है वो है ब्रास की टोन, ठीक है। और जो रिदम रखा है वो बहुत ही खास है, और रिदम का नाम है केरला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रिदम जो है उसका नाम है केरला। और स्पीड मैंने रखी है 115, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर वीडियो की तरह मेरा ये वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दिया होगा। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, कोई गाना या कोई धुन, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे या सीखो सल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।